ये गाइस व्हाट्सअप। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स के बारे में। तो ये सिग्नल्स काफ़ी पसंद की जा रही है बाइक क्लासिक 350 के अंदर। इस बाइक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या कुछ आपको फीचर्स मिलता है, क्या कुछ प्राइस है, क्यों आपको लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत किस्तों के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊँगा। तो पहले तो ओवरऑल बाइक देख लो भाई, काफ़ी शानदार लग रही है। सिग्नल्स का जो ये कलर है ना, जो आप ये देख रहे हो, ये काफ़ी पसंद किया जा रहा है भाई। और सिग्नल्स भी एक यूनिक बाइक है, एक यूनिक नंबर आपको बाइक के ऊपर मिलता है, जो नंबर आप टैंक के ऊपर देख रहे हो, ये नंबर आपको किसी और मोटरसाइकिल पे नहीं मिलेगा। एक बाइक पे एक ही नंबर ये मिलता है आपको देखने के लिए। और बाइक के जो लुक्स हैं काफ़ी शानदार हैं, किसी और कंपनी की कोई भी बाइक आपको ऐसे लुक्स निकाल के नहीं दे सकती जैसी ये बाइक आपको निकाल के दे रही है। मार्स ग्रे कलर का नाम है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है ये कलर। पहले क्लासिक 500 के अंदर आता था ये कलर और काफ़ी लोग डिमांड करते थे, और इंडिया में कलर आता नहीं था। अब सिग्नल सीरीज़ के अंदर ये कलर आने लगा है और काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। प्राइस की बात करें तो 2,47,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है फिलहाल दिल्ली के अंदर, 2,47,000 रुपीज़। जे सीरीज इसके अंदर नया इंजन आता है। जो स्टिकर्स वगैरह आप इस बाइक के ऊपर देख रहे हो, ये स्टिकर्स भी आपको किसी और मोटरसाइकिल पर नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ सिग्नल सीरीज़ के अंदर ये जो स्टिकर्स वगैरह हैं आपको देखने को मिलते हैं। रॉयल इनफील्ड का स्टिकर भी इसमें यूनिक है, और यहाँ पे सिग्नल्स की आपको बैजिंग मिल रही है। बाइक काफ़ी बढ़िया है, 350 सीसी का इंजन, नया जे सीरीज जो कि आपको 20.2 bhp की पावर निकाल के देता है 27 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। और बाइक के अंदर आपको जो है डबल सीट मिलती है, नया मीटर कंसोल देखने को मिलता है बिल्कुल सेमी डिजिटल, जिसके अंदर आपको फ्यूल मीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, जरूरत की सारी चीज़ें जो है इस मीटर के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। USB चार्जिंग वगैरह भी आप इसके अंदर आपको जो है देखने को मिलती है, और ट्रिपल नेविगेशन वगैरह आप लगवा सकते हो। स्विचेस वगैरह आप देख पा रहे हैं हैंडल के ऊपर, कुछ तरह का आपको देखने को मिलते हैं। और सीट भी इसके अंदर आपको चेरी कलर की देखने को मिलती है, जो कि बाइक के ऊपर सूट करती है नो डाउट। BS6 कंप्लाइंट ये बाइक है, और 5 गियर आते हैं इसके अंदर, 1 डाउन 4 अप वाला सिस्टम है। स्पोक व्हील्स आते हैं, और ये TP28 की बैजिंग आपको हर बाइक के ऊपर देखने को मिलेगी। बाकी 13 लीटर का आपको बाइक के अंदर टैंक मिलता है 2.6 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी के साथ। बाइक आपको माइलेज काफ़ी बढ़िया निकाल के देगी ये बाइक, आराम से आपको 35 का माइलेज दे देगी ये बाइक, और 120 तक की आपको टॉप स्पीड मिलती है मैक्सिमम इस बाइक से। ड्यूल चैनल ABS आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रंट में 300 mm की डिस्क ब्रेक है और रियर में 270 mm की आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। फ्रंट टायर इसमें 19 इंचज़ का है, रियर टायर इसमें आपको 18 इंचज़ का मिलता है। फ्रंट टायर के साइज़ की अगर हम बात करें तो 190/19 का आपको मिलता है, और रियर जो टायर है वो 120/80/18 का आपको मिलता है। ट्यूब टाइप टायर आते हैं क्योंकि स्पोक व्हील्स हैं, तो ट्यूब टाइप टायर इस बाइक के अंदर आएंगे आपको। टायर काफ़ी बढ़िया साइज़ का आपको मिलता है, रियर टायर और फ्रंट टायर दोनों ही बाइक के ऊपर सूट करते हैं टायर। फ्रंट सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं आपको फ्रंट में, 41mm फ्रॉक्स 130mm ट्रैवल के साथ। और रियर में अगर हम बात करें तो ट्विन ट्यूब एमल्शन शॉक एब्जॉर्बर्स विद 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड के साथ देखने को मिलते हैं आपको। तो सस्पेंशन सिस्टम काफ़ी बढ़िया है बाइक का, बाइक के अंदर वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। साउंड भी काफ़ी बढ़िया आपको मिलती है इस बाइक के अंदर। 195 kg बाइक का वेट है, 2,145 mm की लंबाई है, 785 mm की आपको चौड़ाई मिलती है। ओवरऑल जो हाइट है बाइक की 1,090 mm है। व्हील बेस 1,390 mm का मिलता है, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 805 mm की सीट हाइट के साथ। ट्विन डाउट ट्यूब फ्रेम इसके अंदर आपको जो है चेसिस मिलती है, यानी कि ड्यूल रोड चेसिस, जिसकी वजह से बाइक के अंदर वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, ना के बराबर हो गए हैं अब। और रियर से ऐसी कुछ आपको बाइक मिलती है, 3 साल या 30,000 किलोमीटर की इस बाइक के ऊपर आपको वारंटी मिलती है। तो काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट है क्लासिक 350, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलती है। सर्विस एक्सपीरियंस रॉयल इनफील्ड का काफ़ी बढ़िया है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में भी कहीं पे भी आपको परेशान नहीं करेगी बाइक। मीटर कितना कूल लगता है इसका जैसे ऊपर से नीचे आता है तब, ठीक है ना। तो यही था ओवरऑल इस बाइक के बारे में। बाकी अगर हम EMI वगैरह के बारे में बात करें तो आप इजीली इस बाइक को जो है फाइनेंस वगैरह करा सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम डाउन पेमेंट की बात करें तो 25,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके आप आराम से बाइक को किस्तों पर ले सकते हो। 25,000 रुपये की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो और 1 साल की किस्तें बनवाते हो तो 20,000 रुपये के आसपास आपकी 12 किस्तें बनेंगी। सेम डाउन पेमेंट के साथ अगर आप 2 साल की किस्तें बनवाते हो तो 10,900 रुपये के आसपास आपकी जो है 2 साल की 24 किस्तें बनेंगी। सेम डाउन पेमेंट के साथ 3 साल की किस्तें बनवाते हो तो 7,800 रुपये के आसपास आपकी 36 किस्तें बनेंगी, और सेम डाउन पेमेंट के साथ 4 साल की किस्तें बनवाते हो तो 6,400 रुपये के आसपास आपकी 48 किस्तें बनेंगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड दे के
और दो ब्लैंक चेक वगैरह लगे के वाटर वगैरह का बिल वगैरह दे के आप या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे के आप ईजिली बाइक फाइनेंस करा सकते हो, ठीक है ना। तो यही थी हमारी ओवरऑल डिटेल रिव्यू रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल। सारी चीज़ें मैंने इस बाइक के बारे में बता दी हैं, 350 सीसी की बहुत ही शानदार मोटरसाइकिल है। कुछ और आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।